दोस्तों, आयरलैंड वर्सेस पोर्टुगल के बीच होने वाला है आज का दिन का सेकेंड मैच ECC T10 का। ये प्रीमियर डिवीजन T10 है दोस्तों, जहाँ पे आपको दिखेंगे ग्रुप्स, और ये ग्रुप ए का पहला मैच है। इन डेप्थ कवर करेंगे इस वीडियो में। ना क्या पॉइंट रहेगा देखो, मैंने वीडियो में जो ऐड किया, एक्सीलेंट पिच फॉर बैटिंग। आगे जाके पिच रिपोर्ट जब हम लोग देखेंगे दोस्तों, तब हमें पता चल जाएगा क्यों ये बैटिंग के लिए इतना अच्छा वेन्यू है। आपको मिलेगा स्मॉल ग्राउंड, जो आपको यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे भी दिखेगा कि वेन्यू साइज़ बहुत ही छोटा है। ठीक है, अगर आप देखोगे डेथ ओवर सर की स्पिनर्स यहाँ पे बहुत रन कंसीड कर रहे हैं, पेसर्स को अच्छा खासा विकेट मिल रहा है। आयरलैंड बैटिंग ऑर्डर, यस, ये एक अनसर्टेनिटी है इनके बैटिंग ऑर्डर में। अगर आप देखोगे टॉप थ्री ऑफ ईच टीम्स आपके लिए, अगर दे जो दोनों टीम के जो टॉप थ्री बैटर है, बहुत वाइटल है दोस्तों। पोर्टुगल का बैटिंग बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, पूरा टीम ही इनकन्सिस्टेंट रहेगी। और सी डी फ्रेटर्स का दोस्तों इस मैच में होने वाला है आपके लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट पन। तो पूरा वीडियो जरूर देखना, पसंद आए तो लाइक करना। अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ दोस्तों टेलीग्राम। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक ऐड कर दिया है टेलीग्राम चैनल का। तो फटाफट चलते हैं हम लोग दोस्तों इस मैच के एनालिसिस पॉइंट में। कट्टम्मा ओवल क्रिकेट ग्राउंड, ग्राउंड के बारे में पता चलना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी मैच में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अगर देखोगे इस वेन्यू में इस साल बहुत ज़्यादा रन बना, ये कब का मैचेस का रिकॉर्ड है पता है? फाइनल मैच हुआ था, चैलेंजिंग डिवीजन शायद नाम था, ठीक है, जो सेकेंड डिवीजन बोल के हम लोग चल सकते हैं, ये प्रीमियर डिवीजन है, उसका जो फाइनल मैच था उससे आगे तक पांच मैच का अगर रिकॉर्ड देखोगे, सेकेंड लास्ट मैच में 156 बना, 160 चेस हो गया 9.3, 173 बने, 142 तक ओपोनेंट पहुंच पाया, 167 बना ओपोनेंट 161, 100 रन बना तो 101 चेस हुआ सिर्फ 5.2 ओवर्स में, 159 बना तो 119, मतलब बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग है। हाई स्कोरिंग वेन्यू, पावर प्ले का फ़ायदा उठाने के लिए टॉप थ्री हमें समझना, जानना और अपनी टीम में होना बहुत ज़रूरी है। तो पूरा वीडियो तो देखो और उसके बाद आफ्टर टॉस टेलीग्राम भी जुड़ जाना। मैं आपको कुछ और भी टिप्स दे सकता हूँ टॉप थ्री लेके, मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि इससे पहले ECC T10s के हम लोग कवरेज किए थे। लास्ट ECC T10 मैंने बोलना भूल गया, इंग्लैंड 11 ने विन किया था, उसके आगे शायद नीदरलैंड 11 और उसका आगे वाला मतलब 2021 वाला शायद इंग्लैंड 11 विन किया था दो बार। अब आते हैं दोस्तों पेसर्स, इस पिच में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली डेथ ओवर्स के लिए, और एवरेज स्कोर 150 है, बहुत ज़्यादा। मेरा ऑब्जर्वेशन कैसा रहेगा, पिच बैटर के लिए फ्रेंडली होगा पावर प्ले में, बैटर के लिए मिड ओवर में, बट अंतिम में कुछ ओवर्स विकेट गिर सकता है डेथ ओवर्स में जाके, स्पेशली न्यू बैटर आके घुमाएंगे यहाँ पे, देखना चार बॉल में 15, 12, 13 ऐसा स्कोर दिखेगा और आउट हो रहा है। तो ये पेसर्स लास्ट में इंपॉर्टेंट होते हैं जो डेथ में डालते हैं, बट ये पहला मैच है ना, आपको एग्जैक्ट बैटिंग ऑर्डर पता है ना, एग्जैक्ट बॉलिंग ओवर्स पता है, जो आपको अगले मैचेस में पता चलेगा, तो थोड़ा केयरफुल इन्वेस्ट कर सकते हो। ये मैचेस अभी हिट और मिस होंगे, 100 पॉइंट के मार्जिन से आप जीतोगे, 100 मार्जिन से आप हारने वाले हो। हेड टू हेड अगर देखते हो, दो मैच क्रिकेट आयरलैंड ने और पोर्टुगल के बीच हुआ है इससे पहले ECC के, और दोनों मैच आयरलैंड विन किया, बहुत ये तो बहुत लाजमी बात है, आयरलैंड ही विन करेगा। अब एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट देख लो, इनके बीच जब हेड टू हेड हुआ है डिफरेंस देखो दोनों टीम का, पोर्टुगल ने 71 रन बनाया 8 विकेट से, आयरलैंड ने 73 चेस कर गया 5.3 ओवर में, सिर्फ एक विकेट लॉस किया था। उसके आगे वाले मैच में पोर्टुगल ने बनाया 95 for 5 10 ओवर में, आयरलैंड 96 चेस कर गया 7.3, मतलब हाई स्कोरिंग वेन्यू है, बट पोर्टुगल आपको पता है कि आयरलैंड के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा वीक टीम है, तो रन ज़्यादा बना नहीं पा रहे, ठीक है। अब आते हैं इनके दोस्तों बैटिंग ऑर्डर में, आयरलैंड का पॉसिबल बैटिंग ऑर्डर जो मुझे लगता है, आयरलैंड का मुझे लगता है यही होगा बैटिंग ऑर्डर, ठीक है, होना चाहिए। सिमस लिच ओपन करेगा, जैसन वैंडर मैरी, ये तो सही है, वन डाउन, यहाँ पे थोड़े चेंजेस हो सकते हैं, स्कॉट मैकबीथ, जेरेड विल्सन, ये दोनों टॉप फाइव में खेलेंगे, वन डाउन खेलेगा, वन डाउन किसी को भी प्रोमोट कर सकता है, सी मेली या फिर एडम लिकी या फिर किसी को भी, बट टॉप फाइव में मेरे हिसाब से इनमें से चार प्लेयर तो रहेंगे, ये चार जो ऑप्शन है ना ये टॉप फाइव होगा। ओपनर्स कन्फर्म है, स्कॉट मैकबीथ बेसिकली टू डाउन खेल लेते हैं और जेरेड विल्सन थ्री डाउन खेल लेते हैं, लास्ट ईयर का जो मैं नेचर था उसके हिसाब से मैं बता पा रहा हूँ, बोल रहा हूँ दोस्तों। अगर आप देखोगे प्लेयर्स स्टैट्स में,
प्लेयर स्टैट्स अगर देखते हो तो सीमस लीच आपको ओपन करते हुए दिखेंगे ईसीसी 2000 इनका नहीं, ईसीसी के करियर में। देखो यहाँ पे ईसीसी, ये कौन सा टूर्नामेंट है, ईसीसी यूरोपियन क्रिकेट चैंपियनशिप। इस टूर्नामेंट में 23 मैच में दोस्तों बनाया है, 42 के एवरेज से 293 रन, 7 ओवर 4 विकेट, ईसीसी टी10 में सीमस लीच ने। टी10 2024 में, मतलब इस साल के टी10 के मैचेस अगर आप उठा के देखते हो तो 7 मैच में 29 का एवरेज, 145 रन बनाया दोस्तों सीमस लीच। अच्छा प्लेयर है, ओपन करेगा, वेन्यू बैटिंग के लिए तगड़ा है, तो डेफिनेटली हम लोग टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को लेके चलने वाले इस मैच में, तो इसको भी रखूंगा। रिसेंट परफॉर्मेंस ये टी20 और लिस्टे, दोस्तों लिस्टे खेलते हैं आयरलैंड में, तो डेफिनेटली क्वालिटी होगा इसके पास। जेसन वेंडर मेरवी, इनका टी20 लिस्टे में 153, टी20 में एक मैच में एक रन और 3 टी10 है दोस्तों, जहां पे 83-19-22 रिसेंट परफॉर्मेंस। इनका टी10 2024 में तगड़ा रिकॉर्ड, 45 का एवरेज जेसन वेंडर मेरवी। दोनों बंदे को हम लोग रखेंगे, सीमस लीच, जेसन वेंडर मेरवी, और आइडियली ओपन आना चाहिए। वन डाउन प्रोबेबली स्कॉट मैकबीथ खेलने वाले दोस्तों, जो आयरलैंड में लिस्टे खेलते हैं, अच्छे फॉर्म से भी थे, 6 विकेट और 2 विकेट, 50 ओवर फॉर्मेट वाला मैच होता है लिस्टे। इंडिया में जो लिस्टे होता है उसको विजय हजारे ट्रॉफी हम लोग बोलते हैं। स्कॉट मैकबीथ ईसीसी में 23 मैच, 42 का एवरेज, 293 रन, 7 ओवर 4 विकेट, मतलब इंडिया का डोमेस्टिक जो प्रीमियर 50 ओवर्स लिस्टे मैच है वो है दोस्तों विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। ऐसे तो आप अगर वो इंडिया ए इंडिया बी खेलता है ना, वो भी शायद लिस्टे में काउंट हो जाता है। अब देखो ईसीसी में 23 मैच में 42 का एवरेज, 293, देखो एवरेज के साथ अगर मैच आप इंटू करते हो तो आपको ना रन इतना नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि कई बार ये बैटिंग लोअर ऑर्डर में किया, ये सेंस होता है, मतलब ये ना कंफर्म टॉप ऑर्डर का बैटर नहीं है। कंफर्म टॉप ऑर्डर का बैटर होता है ना 42 का एवरेज से 23 मैच में, इसका 600 से 700 रन होता, एवरेज 800 बनता है, बस 600 700 होना चाहिए था, 1/3 है इसका, मतलब इसको कई बार बैटिंग नहीं मिलता है। 7 ओवर में 4 विकेट है इसके पास, मतलब इसका ओवर भी कंफर्म नहीं है, बट रिसेंटली लिस्टे में बॉलिंग कराया, सेफ ऑप्शन है, मैं टीम में रखूंगा, पहला मैच है। जेड विल्सन ये के लिए अच्छा चॉइस होगा, ये राइट एंड मीडियम डाल लेता है, 23 ईसीसी के मैच में 31 ओवर, कंपेयर टू स्कॉट मैकबीथ ज़्यादा ओवर है, विकेट भी ज़्यादा है 15 विकेट, बैटिंग से 32 का एवरेज है 227, स्कॉट मैकबीथ से वन स्टेप पीछे आ सकते हैं या फिर वन स्टेप आगे, आसपास रहता है दोनों का बैटिंग ऑर्डर। आएंगे नंबर 5 में कैमरन मेली, बैटिंग ऑर्डर नीचे हो जाता है, 20 मैच में 37 का एवरेज, सिर्फ 224 रन, रिसेंटली लिस्टे में 19-11-8, टॉप में मेंशन होता है तो ले लेना। एडम लिकी अंडर 19 ओडीआई से आ रहे हैं, 4 मैच 23 का एवरेज से 69 रन, 14 ओवर 1 विकेट, रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है, 33-0 विकेट, 27-0 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 7 रन 0 विकेट, क्या सजेशन रहेगा मुझे एडम लिकी के साथ, मेरा क्या सजेशन है आपको दोस्तों, ये आपको बॉलिंग करके दे सकता है, बट करके देगा ही ऐसा नहीं है, 50-50 कॉल। डैनियल मुरे दोस्तों यहाँ पे शायद मैंने इनका बॉलिंग ऑर्डर्स लिखना मिस हो गया यार, मतलब कुछ ना कुछ तो छूट रहे, चलो कोई बात नहीं, बैट नहीं मेंशन नहीं था, सॉरी यहाँ पे था ही नहीं इनके बॉलिंग ऑर्डर, कंसर्न है, मतलब कंफर्म नहीं हूँ मैं। अगर देखोगे अंडर 19 में 3 मैच 16 का एवरेज, 31 रन, 13 ओवर 2 विकेट, दोस्तों ठीक ठाक ओवर्स इसका भी है डैनियल मुरे का, ऐड करना है तो दोनों को कर सकते हो। अंडर 19 में तीनों मैच, 2 मैच में बॉलिंग किया मुरे ने, 1 मैच में 4 रन, 1 मैच में 27, 2 विकेट, 0 विकेट 1 मैच में। ब्रायन डुनफी ये एज अ बैटर प्ले करेगा तो मैं नहीं लूंगा। अब आता हूँ मस्ट पिक प्लेयर एडम कैनेडी, जिसने 21 टी10 मैच में 29 ओवर में 22 विकेट, मस्ट पिक होगा एडम कैनेडी। एलेक्स आर्मस्ट्रांग 1 मैच 2 रन 5 ओवर विकेट 0, लेफ्ट आर्म स्पिन, फिलहाल मैं प्रेफर नहीं करने वाला हूँ इसको। मैथ्यू वेल्डन राइट हैंडेड बैट्स लेफ्ट आर्म मीडियम, ईसीसी 6 मैच 5 ओवर में 3 विकेट है, रिसेंट परफॉर्मेंस में 2 विकेट लिस्टे, 2 विकेट टी20 में और 1 विकेट 3 विकेट अंडर 19 में, उससे पहले टी10 खेला 1 विकेट, बहुत सारे अलग अलग दोस्तों टूर्नामेंट खेल के आ रहा है, बट विकेट्स इसका ऑलमोस्ट हर मैच में, डेफिनेटली आपकी टीम में होना चाहिए मैथ्यू वेल्डन, गो टू प्लेयर रहेंगे। थॉमस फोर्ड मैं फिलहाल प्रेफर नहीं करने वाला। आता हूँ दोस्तों इनके ओपोनेंट पॉसिबल 11 में, वो है पोर्टुगल। पोर्टुगल से नजम शहजाद ओपन करेंगे, शन जो गोम्स के साथ, फिर आएंगे जेमी मार्टिन, फिर आने वाले दोस्तों फ्रेंको स्टोमन, हरदीप सिंह, बहुत ज़्यादा हिट और मिस है, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप लिख के रखो दोस्तों फैंटेसी दुनिया बाई निहाल। ये टीम का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा चेंज होता है, इस टीम से एक मैच में कोई बंदा बॉल करता है अगले मैच में बॉलिंग नहीं करता है, इनके टी10 मैचेस में कवर नहीं करता हूँ, इतना भी मैं आपको बता रहा हूँ।
अब आता हूँ एनालिसिस में। नज़म शहजाद, मतलब अभी कवर नहीं किया था इसी रीज़न से। नज़म शहजाद अगर देखोगे ECC में ना 121 मैच खेल के रखा है, 26 का एवरेज है, 2387 रन, 177 ओवर, 77 विकेट। क्या लगेगा 121 मैच में? नहीं, ये तो ECC नहीं होगा, ECC में कम ही होगा इसका। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है कुछ, राइटर का कुछ तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, 121 मैच नहीं होगा, ठीक है, इनका ECC में बता रहा हूँ आपको। दोस्तों नज़म शहजाद ने ना नज़म शहजाद ने 121 मैच ECC का नहीं खेला, ECC का इसने 6 मैच खेला, 125 रन बनाया दोस्तों इसने, 8 ओवर में 7 विकेट निकाला, ठीक है, ये है इनका ECC का रिकॉर्ड। और इसका 24 T10 में दोस्तों इस साल मतलब 2024, ये 24 T10 जो दिखता है ना, ये आपका है 2024 करेंट साल में दोस्तों। अगर इनका परफॉर्मेंस देखोगे किसका, नज़म शहजाद का 30 मैच में 652 रन के करीब रन बनाया, 40 ओवर में दोस्तों इस बंदे के पास है 12 विकेट। और रिसेंट फॉर्म देखो, एकदम से कंट्रास्ट आपको दिखेगा कि इनका जो रिसेंट फॉर्म है ना वो तो मतलब अजीब ही है दोस्तों। अगर देखते हो दोस्तों इनका रिसेंट फॉर्म में 21-3-8-8, 2 रन प्लस 0 विकेट T10 में, मतलब इसने बॉलिंग ही नहीं किया रिसेंटली। मतलब क्या होता है कि निकल के अगर आएगा दोस्तों, ये एक ऑलराउंडर है जो बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है दोस्तों पोर्टुगल के लिए, बट लास्ट 5 T10 मैच में इसने बॉलिंग नहीं किया, तो मे बी इंजरी कंसर्न हो सकता है, बट यस ये जो पिक्स है, ये जो प्लेयर्स है दोस्तों, इस रीज़न से रिस्की बन जाते हैं और ये टूर्नामेंट भी रिस्की बन जाता है। आइडियली तो अच्छे ऑप्शन है बट कुछ करते नहीं है कई कबार, और कई कबार बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देता है परफॉर्मेंस। कौन किसके साथ ओपन करेगा? शरण गोम्स, जिन्होंने शरण गोम्स अगर देखोगे दोस्तों पोर्टुगल से पॉसिबल प्लेइंग 11 होने वाला है। नज़म शहजाद ओपन करेंगे शरण गोम्स के साथ। वन डाउन आने वाले दोस्तों जेरेमी मार्टिन्स, फ्रैंको स्टोमन, हरदीप सिंह, इनके बैटिंग ऑर्डर के चेंजेस होने की हाई पॉसिबिलिटी है, जैसे कि शरण गोम्स मुझे तो लगता है ओपन करेंगे, बट इसके अलावा इनके बैटिंग ऑर्डर कम्प्लीटली दोस्तों ऊपर नीचे होता है। नज़म शहजाद आइडियली मिडल ऑर्डर का बैटर है, बट इनके पास कोई ओपनर नहीं है तो शायद ही ओपन कर ले, और कर भी लेते हैं कई बार ओपन। जेरेमी मार्टिन्स कुछ रिसेंट सीरीज में T10 में ओपन किया था दोस्तों इसने, सॉरी वन डाउन खेला था। फ्रैंको स्टोमन आइडियली 2 डाउन बैटर है, बट बाकी के बैटिंग ऑर्डर ऊपर नीचे होने की हाई पॉसिबिलिटी है, बट हम लोग संभाव इस मैच में जिनको रखेंगे ना उनमें से एक नाम है नज़म शहजाद, क्योंकि 6 ECC के मैच में इसने 25 का एवरेज, 125 रन, 8 ओवर, 7 विकेट, मतलब वैल्यू प्रोवाइड किया है इसने। 2024 T10 में 30 मैच में 31 का एवरेज, 652 रन, 40 ओवर, 12 विकेट। देख के लगेगा कि मस्ट बी KBC में बना लूँ, बट प्रॉब्लम कहाँ पता है इसका, लास्ट 5 T10 में देखो बॉलिंग ही नहीं किया, एक मैच में सिर्फ बॉल किया, ये एक बहुत बड़ा मैटर करता है। ओपन आएगा, बैट घुमाएगा, लगेगा तो सही है, तो एज अ प्लेयर मैं रखूंगा जरूर। शरण गोम्स, इनका रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है ECC में ना, 58 का एवरेज बहुत होता है, 349 रन, एक एसोसिएट्स के प्लेयर। 24 T10 में 11 मैच में 29 का एवरेज, 206 रन, 2 ओवर, 1 विकेट, और रिसेंट परफॉर्मेंस कुछ ऐसा, मैं अपने टीम में रखूंगा, T10 खेल के आ रहे सब। जेरेमी मार्टिन्स, इसका भी T10 देखोगे 2024 में 6 मैच, 18 का एवरेज से 92 रन, 10 ओवर, 1 विकेट, इसने भी रिसेंटली T10 खेला जहाँ पे बैट बॉल दोनों कराया, टॉप 3 में मेंशन भी थे, तो अभी मैं रखूंगा इनको भी टीम में। फ्रैंको स्टोमन मस्ट पिक प्लेयर होगा, 24 ECC में 23 का एवरेज, 360 रन, 24 ओवर, 14 ओवर, 7 विकेट, 2024 के T10 मैच में ना इसने 12 मैच में, ये तो 42 ओवर हो गया यार, मतलब ये भी एक मिस। दोस्तों स्टोमन ने ना 2024 में 12 मैच में कुल मिला के कितना रन बनाया, 259 रन बनाया, 52 का एवरेज से, ये तो सही है, बट जो प्रॉब्लम है वो है दोस्तों इनके ओवर्स। इसने 12 मैच में इस साल बॉलिंग कितना कराया दोस्तों, इसने 17 ओवर और 12 विकेट मिलाए, और ये जो मैंने यहाँ पे लिख दिया ना 81 ओवर और 42 विकेट, ये इसका करियर का रिकॉर्ड है T10 में, ठीक है, सॉरी मिस्टेक हुआ। हरदीप सिंह 2024 के T10 में 14 में 27 का एवरेज, 243 रन, 27 ओवर, 7 विकेट, 20 ओवर, 7 विकेट, ऐड कर सकते हो, रिसेंटली बैट बॉल दोनों कराया, अगर टॉप में मेंशन होता है ना जहर पिक हो जाएगा, अगर टॉप में मेंशन नहीं होता है तो रोटेशन कर सकते हो, क्योंकि इस वेन्यू में रन बहुत ज़्यादा बन रहे, विकेट कम। अमनदीप सिंह ऑफ स्पिन करेगा, मैं फिलहाल नहीं लूँगा, ECC के 16 मैच में ना इसने ज़्यादा ओवर ही नहीं कराया, ठीक है, 54 रन, 15 ओवर, 5 विकेट, तो दोस्तों फिलहाल मैं अमनदीप सिंह को नहीं लेने वाला हूँ। 24 में 22 मैच में 7 विकेट, उतना भी खास ऑप्शन नहीं है, ECC में तो और भी खराब है, 16 में 5।
नहीं लूंगा रिसेंटली, बट बॉलिंग कराया है कुछ कुछ मैचेस में, और मैचेस में बॉलिंग करा लेता है, एक एक आधा ओवर तो डाल ही जाता है। मिचेल मकाडो 28 T10 में 23 के एवरेज, 496 रन, 8 ओवर, 4 विकेट। टॉप में मेंशन हुआ बाद अलग रिसेंट परफॉर्मेंस T10 में 42-12-1, डू नॉट बैट 9। दोस्तों साइड मैसम, इसने रिसेंटली T10 में देखोगे तो बॉलिंग कराया, बट ये ना कंप्लीट हिट और मिस है। देखो एक मैच में विकेट है इसका, फिर विकेट नहीं है, फिर दो विकेट है, फिर विकेट नहीं है, फिर तीन विकेट। करियर में भी देखो T10 के 24 मैच में इसने 21 विकेट निकाला, 2024 के T10 में इसने 20 मैच में 21 विकेट निकाला, सिर्फ 34 ओवर डाला। ECC में 6 मैच में 31 रन, 9 ओवर, 7 विकेट। हिट और मिस है, कभी बॉलिंग करता है, कभी बॉलिंग ही नहीं करता है, कभी एक ओवर में दो विकेट भी लेता है, डेथ ओवर में आ जाता है, कंप्लीट हिट और मिस प्लेयर, पूरा टीम ही हिट और मिस है। गाइशिना अंडर 15 का प्लेयर है, रिसेंट परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मेंशन है, बहुत अच्छा है बट अंडर 15। शायदुर रहमान एक्सपीरियंस है, 2024 में 10 मैच खेला है इसने, 19 ओवर में 14 विकेट निकाल के रखा है। जुआन हेनरी ECC में 10 मैच 15 ओवर 5 विकेट और रिसेंट परफॉर्मेंस। दोस्तों जुआन हेनरी ने ना ECC नहीं, अपना करियर में एक्चुअली में इन्होंने एक ही सीजन खेला था, 2023 में एक ECS का सीजन खेला था, उसमें इसने 10 मैच में 15 ओवर में 5 विकेट निकाला, नॉट ECC, बट रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। एक विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, ऐड कर सकते हो इफ़ यू वांट। डी नोरटम का रिकॉर्ड नहीं है। क्रिस्टोफर डिफ्रेटिस, ये ना मेरा पंथ पीक है, मैंने आपको शुरू में मेंशन किया था ना, 4 मैच T20 में 38 ओवर 76 रन, बट इसने आयरलैंड के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है दोस्तों, आयरलैंड में डोमेस्टिक क्रिकेट खेला है, 44 रन रिसेंटली। एक मैच में बैटिंग नहीं मिला, शायद चेस हो गया था एक विकेट से, वन डाउन बैटिंग कर रहा था, वन डाउन या टू डाउन। 45 लिस्टे में 40 T20, ये तगड़ा डिफेंशियल बन सकता है इस मैच में आपके लिए। तो फिलहाल ये रहेगा मेरा कवरेज, इस मैच का कुछ भी अपडेट आता है, अगले मैच के जो कवरेजेस होंगे मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करूंगा। एक आधा मिस्टेक्स के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं दोस्तों, फ्यूचर में हम लोग और भी बेहतर काम करेंगे। जस्ट मैंने PDF स्टार्ट किया तो प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम भी लग रहा है और मिस्टेक्स भी हो रहे हैं, बट आगे ऐसा नहीं होने वाला है। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, काइंडली सपोर्ट करना, एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर तो बनता है दोस्तों इतना मेहनत के लिए। तो चलते हम लोग फटाफट से अभी ड्रीम इलेवन टीम में। दोस्तों फिलहाल जो मेरा टीम बन रहा है ना इस मैच में, सिमस लीच को मैंने ट्राई किया, यहाँ पे शर्न गोम्स मस्ट पिक है मेरे लिए, नजम शहजाद मैं बैक करूंगा बट कैप भी सी नहीं बनाऊंगा, वाइस कैप्टन जेड विल्सन जो बैट बॉल दोनों करा लेता है, जे वैंडर मैरी जिनको रिस्क लेना पसंद है, जो प्योर बैटर के साथ कैप्टन जाना चाहते हो वो वैंडर मैरी को कैप्टन जरूर बनाना। जेड विल्सन और स्कॉट मैकवेथ ना स्पेशली वाइल देखो ना, बैट फर्स्ट बढ़िया कैप्टन है क्योंकि 20-25 रन बैटिंग से एक आधा विकेट मिल जाएगा इसको, इन लोग को, बट अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ और सेकेंड इनिंग्स में बैटिंग हो रहा है, हो सकता है कि वैंडर मैरी मैच खत्म करके चला जाए, सिमस लीच मैच खत्म करके चला जाए पावर प्ले में, कैप भी सी बना सकते हो ओपनर्स को। अवनदीप सिंह हमारे पास है, एज सिंह है हमारे पास, स्टोमन शायद मैं ना रखूँ, आफ्टर टॉस मैं कॉल लूंगा, ये फ्रीटस अगर खेलता है और टॉप में मेंशन होता है तो मैं जरूर लूंगा उसको। मैक्स वेल्डन हमारे पास है यहाँ पे और दोस्तों है एक कैनेडी। फिलहाल के लिए ये रहेगा मेरा टीम, कुछ भी अपडेट आता है ना इस मैच का, अगले मैचेस के जो कवरेजेस होंगे, डेमो टीम होगा दोस्तों, मैं आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर करने वाला हूँ। आपको जुड़ना है टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक ऐड कर दिया है दोस्तों टेलीग्राम चैनल का। तो चलो मिलते हैं मैच टाइम पे टेलीग्राम पे, थैंक यू।